लवलीना बोरगोहेन, ये वो नाम है जिस पर आज सवा अरब हिंदुस्तानियों को गर्व है। टोक्यो में लवलीना ने आज उस पड़ाव को पार किया जहां तक भारत के सिर्फ दो बॉक्सर्स ही पहुंच पाए हैं। 23 साल की लवलीना ने अपने डेब्यू ओलंपिक्स में ही मेडल पक्का कर लिया है। महिला बॉक्सिंग के वॉटरवेट कैटेगरी में लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में पहुंचने पर लवलीना ने कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पर तो कब्जा कर ही लिया। यूं तो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लवलीना के सामने चुनौती बड़ी थी। लवलीना के सामने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन चिनचेन थी। उनके सामने वो बॉक्सर थी जिनसे वो पहले हार चुकी हैं। लेकिन लवलीना ने हर चुनौती को पीछे छोड़ा और साबित कर दिखाया कि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लवलीना ने चीन ताइपे की चिनचेन को 4-1 से मात दी। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ लवलीना ने जबरदस्त एकतरफा मुकाबले में चीनी ताइपे के बॉक्सर को मात दी। सेमीफाइनल में लवलीना की भिड़ंत मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन से होगी। 4 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे सेमीफाइनल में लवलीना की भिड़ंत तुर्की की बुसानेस सुरमिनेली से होगी। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन की ब्रॉन्ज मेडल विजेता लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का कर लिया है, लेकिन उम्मीद है कि सेमीफाइनल में जीत के साथ लवलीना इस मेडल का रंग बदलेंगी और ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की सबसे सफल बॉक्सर बनेंगी।